Hello students, I am Dr. Priyanka, and now we are going to start with the chapter number 15, that is Biodiversity and Conservation. Students, in last session of this unit of biology, we have discussed many aspects of ecosystem, environment and organisms and about the interactions of population. Basically, we have discussed organisms and the interactions between the ecosystem, environments and the interactions within own cells, like a population interactional. Kaise community form hui? Kaise populations interactions karti hain ek dusre ke saath? Kaise ek individual organism ek dusre ke saath adaptation karke ek community ko give rise karta hai? दूसरे फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की. फिर हम लोगों ने उसमें लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को इंटरेक्शन लेवल पे डिस्कस किया. एट द लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द फूड चेन्स एंड द फूड वेब. नाउ एट द लास्ट वी हैव डिस्कस एट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम लोगों ने बातें की कि कैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल किया जाता है और इकोसिस्टम में वापस दिया जाता है, क्योंकि वंस उसका क्या रीजन होता है कि वो दोबारा रीयूज के लिए अवेलेबल हो सके हमारे लिए ही. दूसरी हम लोगों ने बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कि एनर्जी इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. तो अगर मैंने बात बोली एनर्जी इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो उसमें मैं क्या बताना चाह रही थी कि वंस कि एट एवरी ट्रॉफिक लेवल का क्या मैंने बताया था कि एट स्पेसिफिक प्लेसेस मेनी ऑफ द स्टेजेस आर देयर, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं बीइंग ईटन अप एंड ईटिंग प्रोसेसेस के, राइट. उसमें मैंने बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो 10% और वो हमेशा एक ही डायरेक्शनल में फ्लो करती है. वंस द एनर्जी गेट लॉस इट कैन नेवर कम्स बैक, राइट. सो दिस इज द लॉ कि व्हाई द एनर्जी फ्लो इन द पिरामिडल स्ट्रक्चर इज यूनिडायरेक्शनल, राइट. उसके बारे में हम लोगों ने इम्पोर्टेंटली बात की बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम लोगों ने कार्बन साइकिल बात किया, फॉस्फोरस साइकिल बात किया, लास्ट में हम लोगों ने इकोसिस्टम सर्विसेज की बात किया. उससे पहले हम लोगों ने इकोलॉजिकल डायग्राम्स की बात किया, ग्रोथ मॉडल्स की बात किया, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली. सो वी हैव डिस्कस्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोलॉजी चैप्टर ऑफ दिस इकोलॉजी यूनिट सॉरी इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड मेनी ऑफ द थिंग्स अबाउट एनवायरमेंट अडैप्टेशंस. बट अभी जो एक मेन कंसर्न है हम लोगों का, हम लोगों ने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस तो पढ़ लिए सारे, हम लोगों ने सारे एज अ होल सारे इंटरेक्शंस पढ़ लिए, हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली. जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोगों ने सारे चैप्टर वाइज आप पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में अगर आपको कोई बताए कि नाउ बताओ कि ये जो इंटरेक्शंस हैं क्या ये जुडिशियस हैं, क्या हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो अभी वो इस चैप्टर में हम लोग वो पार्ट डील करेंगे इकोलॉजी का, कि ठीक है नेचर ने हम लोगों को सब कुछ दिया. लास्ट इवन चैप्टर में हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग इकोलॉजिकल सर्विस का प्राइस टैग लगाएं तो अलाउंड 18 ट्रिलियन हम लोगों का नेशनल होगा, और वर्ल्ड वाइड देखूं तो 33 to 34 ट्रिलियन प्राइस टैग होगा एक जो भी चीजें हम लोगों को नेचर से मिलती हैं. दैट मीन्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट सच अ हाई लेवल प्राइस, राइट. तो अगर मैं इसी चीज की बात करूं आगे जैसे मैं धीरे धीरे टॉपिक्स पे आऊं और मैं बात करूं चीजों को लेके, तो मैं यही चीजों को लेके बात करना चाहूंगी इस टॉपिक पे कि हाउ वी आर ओवर एक्सप्लॉयटिंग दीज रिसोर्सेज, वी आर नॉट जुडिशियसली यूजिंग दीज रिसोर्सेज and how to conserve them. Now it's high time and high time to think कि अभी जो हम लोगों को resources मिली उनको कैसे conserve कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हम लोग इन exploitation को minimize करें. ठीक है, हम लोगों को interactions करनी जरूरी है, adaptation and for the survival, but not the overuse of these resources. कहीं ऐसा ना हो ये resources खत्म हो जाए and फिर नेचर एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में चली जाए और प्राइमरी सक्सेशन को खत्म करके एक न्यू सक्सेशन की शुरुआत करे. सो दैट विल बी बेटर कि फॉर द
For survival of this race, it is mandatory to equally maintain the balance between this nature and the environment. So nature or environment se ek balance maintain karne ke liye, it is very, very important to understand the fact that biodiversity, there are hell lots of organisms, different organisms that are living on this earth with us, right? And if we are debalancing and de-equalizing the their nature, their habitat, and we are harming them in such or the way by our activities only, then the nature will clear off the succession and will made the new succession for the betterment of the balance, right? So abhi hum log baat karenge is topic ke bare mein. To abhi hum log, we are going to start with chapter number 15, that is biodiversity and conservation. Abhi biodiversity aur conservation ki baat karu, to kuch important definitions jo ki 1 to 3 marks mein puchhi ja sakti hain. To sabse pehle hai biodiversity ki definition. Describe ya likh sakte ho, term is used to describe diversity at all levels of biological organization. पहला, दूसरा मेरे पास आ जाता है बायोस्फीयर रिजोर्स रेफर्स टू प्रोटेक्टेड एरिया of land or coastal environment having unique biodiversity. Next हम लिखेंगे cryo cryopreservation. Cryopreservation, अगर मैं cryopreservation की बात करूँ, तो what do you understand by preservation and cryo? Then a method of storage method of storage of what? सबसे पहले preservation का मतलब क्या होता है, किसी चीज को preserve करना. So a method of storage of live materials. क्या है? Live materials को method store करना at ultra low temperature. Cryo का मतलब होता है very freezing temperature. At very ultra low temperature, that is in liquid nitrogen at minus 196 degree Celsius. This is the cryo. Next aa jate hain ecological diversity ecological diversity ko kaise define karenge, the variety
of species in the different types of ecosystem. Right. Next हम लोग बात करेंगे importantly endemism. Endemism में हम लोग बात करेंगे refers to the occurrence of species to a particular region and not found anywhere else. Right. Next हम लोग बात करेंगे जीन बैंक. Institute which maintains stock of viable seeds live plants, tissue culture and frozen germplasm with a whole range of genetic variability. Right. Next हम लोग बात करेंगे genetic diversity. The diversity of genes within a species. एक हम बात करने वाले हैं exotic alien species. Exotic species or alien species. तो species which are introduced in an ecosystem to which they are not native. Next हम लोग hotspots region with very high levels of species richness and high degree of endemism.
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IUCN, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इस पे, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑफसाइट कलेक्शंस, इसमें हम लोग बात करेंगे लाइव कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज इन बोटैनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि इसमें जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटैनिकल गार्डन्स का इक्वल रोल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अब टाइगर्स को कंजर्व करने के इतने सारे प्लांट्स बना रहे हैं, तो कोई एंडेंजर्ड हो रही है स्पीशीज जो कि ऑब्वियसली हम लोग उनको जंगल में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन वन और द अदर वे, तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं, उसके लिए प्रिपरेशन होती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट देम इन एन एनवायरमेंट विच आर अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन, राइट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, सॉरी रेड डाटा बुक, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स maintained by IUCN, that is International Union of Conservation of Nature and नेचुरल। ये बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे। सो आई एम राइटिंग इट दैट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ओनली लेवल जो कि एनिमल्स को, नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए या पता लगाता रहता है कि हाउ दे आर गोइंग टू एंडेंजर्ड, कैसे कम हो रहे हैं, कब ज्यादा हो रहे हैं। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट इज हम लोग बात करने वाले हैं सैक्यूरेट फॉरेस्ट, सैक्यूरेट फॉरेस्ट, सैक्यूरेट फॉरेस्ट से व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल इसको राइट डाउन हम लोग करेंगे कि फॉरेस्ट पैचेस protected by tribal communities। ये sacred इसलिए बोल रही हूं बच्चे मैं,
क्योंकि ये दे आर द स्ट्रिक्ट एंड अंडर द कंट्रोल. जैसे हम लोग एरिया नहीं बांट लेते कि ये तो हमारे फॉरेस्ट हैं आप नहीं काटोगे. जैसे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो पीपल टेंड्स टू चिपक पीपल्स टेंड टू बाइंड द फॉरेस्ट राइट. कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रीज काटने हैं सो यू हैव टू कट आवर सेल्फ फर्स्ट. उनको काटो अगर आपको ट्रीज को कट करना है. तो उसमें ये था कि दैट दे आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट. लाइकवाइज ट्राइबल कम्युनिटी स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. लाइक ये हमारा फॉरेस्ट पार्ट है या आपका फॉरेस्ट पार्ट है आप उन वो फॉरेस्ट में आप नहीं आओगे. मतलब जितने भी उनके एनिमल्स हैं ट्रीज हैं उसको सबका प्रोटेक्शन वो ट्राइबल कम्युनिटी करेगी जो उस पर अपना जमा रही है फॉर द टाइमिंग. ठीक है. ड्यू टू रिलीजियस सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू दीज फॉरेस्ट राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीशिएशन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन. राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसमें हम लोग बात करेंगे द वैरायटी ऑफ स्पीशीज within a region is called species diversity. Next baat karenge species richness. Number of species per unit area is called species richness. That is इसको आप स्पीशीज डेंसिटी भी कह सकते हो कि कितनी डेंसिटी स्पीशीज की इन अ गिवन लोकेशन इन एन गिवन कंडीशन में है. राइट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस विच वी हैव डन. अभी हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करी हैं, ठीक है, इन डेफिनेशंस में हम लोगों ने काफी बातें करी हैं टॉपिक्स के बारे में. जो मेन टॉपिक्स यू गोना स्टडी द मेन टॉपिक वी गोना रीड एंड रिवाइज. राइट. इन टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात करी. ऊपर से हम लोगों ने इनके मेन एजेंडास को डिफाइन किया कि ये टॉपिक्स को क्यों टर्म किया गया है, किस वजह से टर्म किया गया है. व्हाट आर द पर्पसेस. ऑब्वियसली टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का अगर मैं ब्रॉडर व्यू देखूं कि अगर पूरा मैं समझूं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो लायंस हैं, लायंस की मेनी स्पीशीज आर एग्जिस्टिंग. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी मेनी स्पीशीज. अभी मैं अगर इसी स्पीशीज की बात करूं तो देयर आर 8 crore स्पीशीज ऑफ आंट्स विच एग्जिस्टेड इन सिंगल फॉरेस्ट. अभी 8 crore स्पीशीज एग्जिस्ट होना दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. राइट. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, विच इज द सो द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम इन विच देयर इज अ वास्ट फ्लोरा एंड फौना और द वास्ट हैबिटेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन अ सेम प्लेस. राइट.
and above them we are also living them. Our interaction with nature is at such a high level. हमारे interaction nature से बहुत high level पे हैं. और जहां तक कि मैं बात करूं एनिमल्स की प्लांट्स की, दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम, दे आर इंटरैक्टिंग देम फॉर द सर्वाइवल पर्पसेस, फॉर अडैप्टिंग, फॉर अडैप्टेशन पर्पसेस. बट हमारे इंटरैक्शंस नेचर के साथ हर लेवल के हैं, फॉर सर्वाइवल, फॉर द बेनिफिट्स, बिकॉज वी हैव गॉट ब्रेन्स. सो हम लोग नेचर को एक न्यू टाइप से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. And in this new modification that we are doing, we are harming the balance of nature. इस वजह से हम लोग बैलेंस नेचर का बिगाड़ रहे हैं. हम लोग पॉपुलेशन पर्पजेस के लिए फॉरेस्ट को कट करके लैंड इंडस्ट्रीज बना रहे हैं फॉर आर यूज, फॉर आर नीड्स. उससे क्या हो रहा है, जितना परसेंट एयर न्यूट्रिएंट साइकिल हम लोग एयर साइकिल, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल लाइक इन गैसियस सप्लाई, लाइक इन गैसियस स्टेट और इन द लैंड वे, राइट, वी आर डीहार्मिंग, वी आर डिसबैलेंसिंग द नेचर ऑफ दिस प्लैनेट. इस वजह से बहुत सारी एंडेंजर्ड हो रही हैं स्पीशीज, उनको मारना फॉर देयर स्किन पर्पजेस, ये तो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं. बट इस चैप्टर में हम लोग मेनी ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग डायवर्सिटी पढ़ेंगे एट एवरी लेवल. हम लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपने एनिमल किंगडम में डिफरेंट क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ठीक है, फाइलम की बात की थी, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, नाइडेरियंस, प्लेटीहेलमिंट्स, एस्कीहेलमिंट्स, फिर नाउ आपने हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मिट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड नाउ वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हुआ था. फिर उसमें आपने क्लासेस पढ़ी थी, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस यू हैव स्टार्टेड, राइट. उसमें बेसिकली आपने क्या किया, आपने उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी, विच विल बी यूजफुल फॉर यू, राइट. अभी वो क्या यूजफुल थी, इतनी वाइड वेराइटी की स्पीशीज इन एन गिवन एरिया में जब रहती है और चीजें अडेप्ट करती हैं, तो सबसे पहले तो आप उस इकोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके सक्सेशंस का थोड़ा सा टर्म रेफर करेंगे, राइट. नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी को और समझते हैं. दैट द टर्म बायोडायवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट. दैट मीन्स कि जो बायोलॉजिस्ट है और जो भला सोशली बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी के इस प्रोस्पेक्टिव को देख रहा है, और नाम था एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब कंबाइंड बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. राइट. इसके बाद ही सेड दैट द डायवर्सिटी एग्जिस्ट्स एट ऑल लेवल्स. एज वी नो दिस कि बायोडायवर्सिटी दैट मीन्स डायवर्सिटी, छोटा सा छोटा एनिमल एक इकोसिस्टम में आपको 5-6 तरह के अलग अलग प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे. तो ये क्या है, एक टाइप की दिस इज टाइप ऑफ अ huge biodiversity, living diversity you can say, at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within
सेल टू बायोमास. बायोमास दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर. अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी आर आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. राइट, सबसे पहले हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी पे बात करेंगे. राइट, तो इसमें सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद जेनेटिक डाइवर्सिटी. अभी डाइवर्सिटी को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? दैट इज जेनेटिक जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी में इज द वेरिएशन इन द जीन्स एंड देयर एलील्स, इन द जीन्स एंड देयर एलील्स in the same species. Example, the medicinal plant Rowolfia. Rowolfia. Vomitoria. Rowolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges show genetic variation in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. Genetic genetic diversity, then it is the variation in the genes and their alleles in the same species. That means एक ही species है but उनके species में, उनके genes में जो type of variation दिखाई देगी. For example, medicine plants. Example जरूर लिखना है. Rowolfia vomitoria growing in Himalaya region shows genetic variation in terms of potency. कि एक की पोटेंसी, एक की कैपेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है. एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेस्पिरेंट दैट प्लांट प्रोड्यूसेस, इसमें रेस्पिरेंट नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है. सो ये डिफरेंट कंसेंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है. कुछ स्पीशीज में ज्यादा होता है, कुछ स्पीशीज में कम होता है, कुछ स्पीशीज में बहुत माइन्यूट रेंजेस में होता है. राइट, बट दे आर द सेम स्पीशीज. इसमें एक पॉइंट और एड कर सकते हैं दैट देयर आर मोर देन
50,000 genetically different strains and species, strains or species you can say, of rice, and 1,000 more than genetic different species of wheat. ये वाला तो हम लोगों ने जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे उन्हीं में पढ़ा था. अभी अगर मैंने बात की वीट की तो राइस एंड वीट तो सीरियस में आती है. कोई एक फ्रूट ले लो, जैसे एनसीईआरटी मैंगो बोल रही है इन वन वे, मैंगो हो गया. क्यों, अभी हम लोग ही देख लेते हैं अपने को, जब हम लोगों का मैंगो का सीजन स्टार्ट होता है तो कितने डिफरेंट डिफरेंट मैंगोज आ जाते हैं. सो दिस इज नॉट द टर्म ऑफ कि मैंगो कितने ज्यादा हैं, दिस इज द टर्म कि जेनेटिकली वेरिएशन कितनी है. एंड दिस इज नॉट 1,000, दिस इज अराउंड 10,000 वेरिएशन स्पीशीज ऑफ जेनेटिकली एक्टिव मैंगो दैट आर प्रोड्यूस्ड, राइट. तो अगर मैं बात करती हूँ स्पीशीज स्पेशल, अभी एक जो दशहरी आम, अगर मैंने सिंपल सा कह दिया एक दशहरी आम और एक जो स्पीशीज ऑफ मैंगोज जिनसे आप लोग पिकल्स बनाते हैं, दे आर द सेम, बट द डिफरेंस इज कि वो आम थोड़ा सा खट्टा होता है. दे आर द जेनेटिक, द जेनेटिक डिफरेंस, द जीन्स ऑफ द बोथ मैंगोज आर सेम, राइट. बट वॉट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट द वेरिएशन इन एलील्स. एलील्स डिफरेंट है उनकी स्पीशिएशन में, दैट मीन्स द सर्वाइवल मेथड ऑफ अडेप्टेशन इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं भी ह्यूमन बींग हूं, हम नॉर्थ इंडियन पीपल हैव अडेप्टेड द क्लाइमेटिक कंडीशन इन सच अ वे दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सर्वाइवल. अभी साउथ इंडियन लोग भी ह्यूमन बींग्स है, बट दे हैव अडेप्टेड द एनवायरमेंट ऑफ द कोस्टल एनवायरमेंट स्पेशली इन सच अ वे कि उनका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है. अभी अगर मैं ऐसे ही बिल्कुल टॉप टुंड्रा रीजन पे चले जाऊं या कश्मीर के लोगों को, तो दे आर वेरी फेयर इन कलर ड्यू टू द कोल्ड रीजन्स, राइट. सो कोल्ड रीजन्स की वजह से, क्लाइमेटिक की वजह से, दे हैव फेयर कंप्लेशन, दे हैव द फेयर स्किन टोन बिकॉज द लेस प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, राइट. सो दिस इज द वेरिएशन इन द डायवर्सिटी, जेनेटिक डायवर्सिटी. सो दिस इज द जेनेटिक डायवर्सिटी. नाउ लेट्स कम्स टू द सेकेंड, दैट इज अ स्पीशीज डायवर्सिटी. सो अगर मैंने कुछ स्पीशीज अभी मैंने जेनेटिक डायवर्सिटी क्लियर किया, अगर मेरे को स्पीशीज डायवर्सिटी को डिफाइन करना है तो मैं कैसे कहूंगी कि बेटे अभी मैंने बात की थी जेनेटिक डायवर्सिटी के, मैं ठीक है जीन्स तो सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, वेरिएशंस ऑफ जीन्स एंड वेरिएशंस इन द एलीलिक फॉर्म. अभी स्पीशीज में क्या है, स्पीशीज ही डिफरेंट है, ठीक है. मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज दिखती है, जैसे लायन की कम से कम 15,000-16,000 स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी. व्हाइट लायन, बंगाल टाइगर, क्या है उनमें क्या डिफरेंस है उनकी स्पीशिएशन का, उनके तरीके का, उनके नेचर ऑफ अडेप्टेबिलिटी फैक्टर का, राइट. तो मुझे दूसरी अभी जैसे मंकी की कितनी ज्यादा स्पीशीज, अभी जैसे 8 करोड़ स्पीशीज देखने को मिल सकती हैं इन अ सिंगल फॉरेस्ट, राइट. सो हाउ यू write it down, that it is the variation in the number and richness of species in a given area, species in the given area, or you can say region. Example, the Western Ghats. अभी example देना बहुत जरूरी है. जो भी आप, जैसे इसमें हम लोगों ने example दिया रॉल्फोरियम और वोमिटेरिया का, और एक हम लोगों ने example दे दिया mango और rice का, ठीक है. ऐसे ही आपने इसमें example जरूर देना है जिस भी biodiversity के aspect को you are mentioning, ठीक है. अगर मैंने बोल दिया Western Ghats में, तो Western Ghats में species of
टाइगर्स आर डिफरेंट, राइट. अगर मैं टाइगर्स बोल रही हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी एम्फीबियंस का एग्जांपल ले रही है एज अ होल ले रही है, बट आप टाइगर का भी बोल सकते हो, ठीक है. आप टाइगर का ले लो कि वेस्टर्न बंगाल टाइगर्स के एग्जांपल ले लो कि बंगाल टाइगर अलग है. अभी ऐसे जो अफ्रीका में मिलते हैं वो अलग है, ऐसे जो अमेरिकन फॉरेस्ट में लायंस मिलते हैं या टाइगर्स मिलते हैं उनका अलग ओरिएंटेशन है, स्पीशिएशन है. सो दैट मीन्स इसमें ये बताया गया है कि एक्टिविटीज ऑफ वन फंक्शन इज डिफरेंट टू द अनदर फंक्शन. अभी मेरी आदत, नॉर्थ इंडियंस मोस्टली की आदत क्या होती है कि दे टेंड टू सर्वाइव ऑन लॉट्स ऑफ फैट्स, राइट. फैट्स, घी, लाइक पंजाब एंड हरियाणा, दिस इज कम्स अंडर द ऑल नॉर्दर्न इंडिया, राइट. बट अगर मैं यही देखूं साउथ इंडिया में, बट दे डोंट यूज टू इवन ईट that much ghee content and the fat content that we North Indian used to have. What they have? They'll have a rice content more rather than having lots of lipid content like ghee, fat and oil. Ab aise hi rice content unka zyada hoga, coconut content unka zyada hoga, so that they used to get the lipid content from the coconut only. But we don't have anything. We are not living in such coastal region. We are not living near the seas. So we don't need that much rice and the proteinaceous carbohydrate content that we used to get from rice and starches, right? So इस वजह से difference क्या हो सकता है कि मेरी humans दोनों ही हैं, लेकिन humans के adaptability factor की वजह से वो humans जो हैं, जो South Indian हैं, they are brought up in different environment, they are brought up with a different adaptability factor and we are brought up with a different adaptability factor, right? तो उस वजह से क्या आ रहा है, हम दोनों species में function में आ रहा है. वैसे ही Brazilian species आ गई, forget about Brazilian species, ऐसे ही tribal communities ले लो. Tribal communities में they are still living in such a aura of their own thoughts. They are not that much responded and connected to the modern cities and the modern environment and the modern technology. They are still living in the dense, harsh forests. They are still surviving for food. They still जानवरों को मार के खाना खाना, रात को हंट करके खाना. हम लोग तो ऐसा नहीं है ना कि रात को खाना खाना है तो चलो फॉरेस्ट हंट करने, ऐसा तो हम नहीं करते हैं. We just used to buy and get the food, right? They how they are surviving in such forest, abhi for example ek Nimbia desert ka example lungi. In Nimbia desert mein kya hota hai, the tribal community Nimbia desert mein the climate is so harsh ki they have to hunt a certain lizard, a certain rat, whatever they used to get, they'll hunt and get it back for the community. And the community difference between the two community, for example, agar ek tribal community agar unhone one part of the desert mein situate kiya hai, to around 4 din ke raste ke baad, matlab 4 din ka aap travel karoge, tab jaake aap unke dusre community ya gaon, jaise wo kehte hai na ki this is the one tribal village, aur unka village kya hai 15-20 logo ka, राइट. और ऐसे ही उनका दूसरा विलेज क्या है, 25-30 लोगों का. सो दिस दे आर कॉल्ड दैट अ विलेज. तो अगर आपको एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाना है, दैट मीन्स वो अपने एरिया में सिचुएट किया गया है उन्होंने. ट्राइबल सेम बट दे हैव सिचुएटेड द डिफरेंट ट्राइब. अभी ऐसे निम्बिया डेजर्ट में ह्यूमन स्पीशिएशन की डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, और हम लोगों को डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज भी देखने को मिल जाती है. So, ये क्या है, that the function and the adaptability manner is different. Like in the case of Western Ghats, the amphibians living are different from each other. And more than 3,000 diversity exist of amphibians of same species
or different, you can say. Right. So this is a species diversity. अब हम लोग अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करें तो दैट इज द इकोलॉजिकल डायवर्सिटी. अभी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करूं तो इकोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी है कि एक इकोसिस्टम है, राइट. अभी इकोसिस्टम है, अभी उस इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, सो उसके लिए डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नेसेसरी. सो हाउ यू गोना राइट इट डाउन कि variety, yeah, you can say it is a variety in type. It is the variety in type of ecosystem of a region, right? एक रीजन के इकोसिस्टम में टाइप हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, डेजर्ट हो गया, सो इट मे बी डिफरेंट. दैट इज या यू कैन से एग्जाम्पल इंडिया विद इट्स डेजर्ट्स. अगर मैं इंडिया के डेजर्ट्स की बात करूं, अगर मैं इंडिया के ग्रीनलैंड्स की बात करूं या माउंटेनियरिंग रीजन्स की बात करूं इंडिया के, मेरे को डिफरेंट क्या है ये डेजर्ट, ग्रीनलैंड्स, माउंटेनियरिंग रीजन्स, क्या है ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं. और इन इकोसिस्टम में भले ही अगर सेम स्पीशीज सेम जीन है, बट द डिफरेंस इन द डिफरेंस इज द डायवर्सिटी. कि अगर मुझे एक स्पीशीज एक उसकी दिखाई दे रही है तो दूसरी स्पीशीज अलग दिखाई दे रही है. डिफरेंस इन द डायवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंस दिखाई देगा मुझे. कि ऐसा ही डिफरेंस मुझे दिखाई देगा अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करती हूं तो चाइनीज पीपल हाउ दे लुक लाइक बिकॉज ऑफ द अडेप्टेबिलिटी फैक्टर. अगेन दे आर स्टाउट, छोटे हाइट के होते हैं मोस्टली. दे हैव द आई फैक्टर दे हैव, राइट. अभी हम लोगों का बिकॉज क्यों हो गया है उनका, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक अडेप्टेशन. तो उसकी वजह से उनका अडेप्टेबिलिटी फैक्टर जैसा है, बट उसका डिफरेंस आ गया है. दैट मीन्स इकोलॉजिकल, डिफरेंट इकोसिस्टम में रहने की वजह से, डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से उनमें ये डिफरेंस आ गया है, उनमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है. बट अगर मैं यही बात करूं जेनेटिक या स्पीशीज डिफरेंट में, तो वो एक ही स्पीशीज के होते हैं, एक ही एरिया में रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग एरिया में रहें. बट अगर मैं इकोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करूं तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गई. जैसे डेजर्ट के एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हो माउंटेन्स के एनिमल्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट ही होगी. अगर आपने डेजर्ट के, इवन आप, मैं कह रही हूं अगर मैं कैक्टस को कंपेयर कर रही हूं राइस के प्लांट्स के, अभी राइस को चाहिए अबंडेंट ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर टू ग्रो. अभी कैक्टस को तो वाटर नहीं चाहिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैक्टस एंड अ राइस. सो you can say alpine trees, coniferous trees, has got greater variety in ecosystem diversity then Scandinavian country, yeah, you can say Scandinavian, Norway country, then India. अगर मैं एक कंट्री का डिफरेंस ले लूं नॉर्वे का और इंडिया का, तो इंडिया के पास अपनी अलग इकोलॉजिकल सिस्टम, वैरायटी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है. ऐसे स्कैंडिनेवियन नॉर्वे के पास अपनी अलग है. सो दैट्स हाउ यू कैन क्लब द डिफरेंस डाइवर्सिटी इन अ वन सिंगल रोप.
सो इसमें कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज की वजह से है, दैट मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस, रीजन बिहाइंड यू कैन से द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज मिलियंस ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन इन विच animals and the species have evolved and species have adapted the suitable techniques or environment for survival. तो survival के लिए अलग अलग स्पीशीज ने, ठीक है, अलग अलग डायवर्सिटी इवॉल्व हुई. जैसे 11th क्लास में हम लोग ने जब एनिमल किंगडम हम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि जैसे कि एक स्पीशीज एक फाइलम से जब दूसरा फाइलम चेंज होता है तो जस्ट बिफोर फ्यू ईयर्स आफ्टर बहुत सारी स्पीशीज डेवलप हो जाती है छोटे लेवल पे, ठीक है. अभी जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था इन केस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कि जब हम लोग बात करते हैं एक स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज से, फॉर एग्जांपल मैंने बात की मैंने एग्जांपल दिया था कार्स का कि अगर मैंने एक ऑल्टो की बात की है और एक स्विफ्ट की बात की है तो ऑल्टो और स्विफ्ट के बीच में तीन चार मॉडल आ जाते हैं ऑल्टो के, राइट. तो वो क्या बता रहा है कि देयर आर मेनी लेजर कंपेयर टू मॉडल्स. जब तक एक न्यू मॉडल नहीं आता, जब तक एक न्यू फाइलम नहीं क्रिएट होता, या जब तक एक न्यू स्पीशीज या यू कैन से ऑर्डर ऑफ क्लास क्रिएट नहीं होता. यही पढ़ा था हम लोगों ने एनिमल किंगडम में कि पोरिफरा, और अगर मैंने बात कर दी नाइडेरियंस की तो पोरिफरा और नाइडेरियंस के बीच के जो स्पीशीज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है. धीरे 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 चेंज के कारण क्या हो रहा है, कंप्लीट वेरिएशन नहीं आ रहा सडन ने. ये नहीं कि एक पोरिफरा का मेंबर आया और अगले दिन आपके नाइडेरियंस बन गए, नहीं. कुछ इवोल्यूशन हुआ, वो उन्होंने कुछ अपना एनवायरमेंट कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन किया, फिर थोड़े से सालों बाद कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन आया, फिर थोड़े सालों बाद कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन आया. तो जैसे जैसे ये मॉडिफिकेशन आता गया, जैसे जैसे ये मॉडिफिकेशन फैक्टर बढ़ता गया, जब एक मैंने लास्ट मॉडल देखा और मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज है, पोरिफरा के कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, पोरिफरा के कैरेक्टर स्केच मिल ही नहीं रहे कि यार उसमें ऑस्क्यूलेंस था, उसमें कैनोसाइट सेल्स थे, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो फिर पॉलिप और मेड्यूला के स्पीशीज बन रही है और इसमें स्ट्रक्चर भी अलग है और उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो फिर मैंने इसको तो मैंने अब नाम देना है डिफरेंट स्पीशीज का, तब मैंने उसको बोल दिया डिफरेंट स्पीशीज. अब इस मॉडल से नेक्स्ट मॉडल तक, लेट अस सपोज इससे सीलेंट रेटा तक, पूरी स्पीशीज में धीरे 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 वेरिएशन आएंगे, चेंज आते जाएंगे, जिसको मैं छोटी 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 स्पीशीज में डाइवर्ज करती रहूंगी, और एट द लास्ट मेरे को जब एक सडन चेंज दिखाई देगा कि अभी ये फाइलम इस फाइलम से बिल्कुल अलग है, वो इल्यूमिनेटिंग बॉडीज में आ गए हैं एक्वाटिक में, तब मैं फिर उनका एक डिफरेंट चेंज कर दूंगी, राइट. सो उस वजह से मैंने ये देखा कि एवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अ वन डे प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस जिसमें पूरा लॉन्ग टाइम पीरियड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का चलता है, जिसकी वजह से धीरे 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 चेंजेबिलिटी फैक्टर्स आते हैं. सो दिस बायोडायवर्सिटी, बट दिस चेंज इज व्हाट, ये चेंज बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है. दिस बायोडायवर्सिटी इज अ वेल्थ टू अस. क्यों ये वेल्थ है हम लोगों के लिए, बिकॉज we are having such a great and wide variety of flora and fauna. Like agar main plants ki baat kar rahi hu, agar main animals ki baat kar rahi hu, to mujhe different variety ke plants dikh rahe hain aur mujhe different variety ke agar plants mil rahe hain to different variety ke products bhi mil rahe hain. Yeah, I am getting different variety. Abhi jo maine mango species ki baat ki to ek dashera hai, ek dasheri aam kehte hain, ek
पिकल्स में डालने के लिए जो मैंगोज बनते हैं, तो वो ऑब्वियसली मैंगो ही हैं दोनों, बट उनका जो स्पीशिएशन फैक्टर है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स एक जो ट्री होगा जो कि पिकल वाले मैंगो ट्री से डिफरेंट है, उससे मुझे तो खाने वाला आम मिल रहा है और दूसरे से मुझे पिकल वाला आम मिल रहा है. दैट मीन्स द सेम स्पीशीज इज एग्जिस्टिंग बट आई एम गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो दिस इज अ वेल्थ टू अस. अभी जैसे मैंने वोमिटेरियन प्लांट की बात करी थी, तो उसमें क्या है, मुझे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पिराइन केमिकल मिल रहा है. उससे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दवाइयां बनती हैं उस प्लांट से. बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशंस के पेशेंट्स को, ट्रॉमेटिक पेशेंट्स को रेस्पिराइन के केमिकल की हम लोग दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द ट्रॉमेटिक कंडीशन. अभी वो भी हम लोगों को प्लांट से मेडिकेशनल पर्पस मिल रहा है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होती है. जो फार्माकोलॉजिकल कंपनीज होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का रेस्पिराइन चाहिए होता है. कुछ तो बेटे वो लोग प्लांट से निकाल लेते हैं और अगर उनको वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता तो फिर वो लेबोरेटरीज में उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं. लेकिन जब वही चीज जो वो लेबोरेटरीज में चेंजेस करने वाले हैं वो पांच डिफरेंट ट्रीज दे रहे हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, तो उनके लिए तो बेनिफिट ही है एक टाइप का, कि अगर उनको एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरिन 10% का मिल रहा है तो कहीं दूसरी 1% का भी मिल रहा होगा, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन अ फ्लोरा फौना. तो उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें उन्होंने 10% मिल रहा है, दूसरे प्लांट में मुझे 2% मिल रहा है, तो मेरे को 2% चाहिए तो मैंने 2% ले लिया. अगर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल चाहिए किसी और पर्पज के लिए, तब मैंने उस 10% वाले स्पीशीज प्लांट से निकाल लिया. दैट मीन्स द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, दैट इज द वेल्थ. ऊपर से अगर मैं वैसे ही अपने इकोलॉजिकल कंट्री की बात करूं, तो उसमें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन इतने ज्यादा आ जाते हैं कि मतलब जैसे आप लोग घर को डेकोरेट कर रहे हो एक टाइप से, तो आप घर को एक ऑर्नामेंटल वे में डेकोरेट करते हो. छोटी क्लासेस हम तो पढ़ते आए हैं, तो उसमें क्या है, वो क्या बोलने की कोशिश करें, दैट दीज आर द ऑर्नामेंट्स फॉर अस. दीज डिफरेंट डिफरेंट, आप जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हो और वहां पे जू में जाते हो या म्यूजियम में जाते हो सबसे पहले, तो वो अपने स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को मेंशन करते हैं कि भाई ये प्लांट उगता है हमारे स्टेट में, ये उगता है, ये वो उगता है. जैसे आप शिमला चले जाओ या आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, सो उनके जो म्यूजियम्स हैं उसमें आपको डिफरेंट अराउंड 3600 टाइप्स के कॉनिफरस फॉरेस्ट ट्रीज के आपको स्पीशीज अलग अलग दिखाई देंगे. जो पाइन, उनमें क्या डिफरेंस है, किसी की पाइन अलग लेवल की है, किसी में जो फ्रेग्रेंस आ रही है वो अलग लेवल की है. सो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी एंड द थ्री एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव डिस्कस्ड. और इस थ्री एस्पेक्ट में जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी आ गई एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गई. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. सो वील गोना स्टार्ट विद दिस ग्लोबल डाइवर्सिटी, जिसमें आपको ह्यूज वेराइटी ऑफ एम्फीबियंस को लेकर चलना है. जो 11th क्लास में आपने एनिमल किंगडम किया था उसका थोड़ा सा पार्ट आप यहां पे करने वाले हैं. दैट मीन्स आपने उस पूरे बड़े से खतरनाक से चैप्टर को अब इसमें छोटे फॉर्म में समराइज्ड करना है. और ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सीबीएसई बोर्ड में इसके पोस्टुलेट्स आ जाते हैं कि एम्फीबियंस टाइप्स बताओ, लेकिन ये जो डायग्राम्स एनसीईआरटी 15.1 फिगर में दे रखे हैं, ये जो डायग्राम्स हैं ये एंट्रेंस के और नीट के पेपर में डल जाते हैं, अच्छे खासी मात्रा में डल जाते हैं. मतलब 101% 17 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है तो वो इसी को उठा के डालते हैं सीधा. और अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन इंडिया स्पेशली, उसकी बात ज्यादा करेंगे वो लोग. और उस पर आपसे सिंपल से मांगेंगे कि पोस्टुलेट्स बताओ और ये डायग्राम में से किसी एक डायग्राम को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो ये जो डायग्राम है 15.1 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट विद वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एनसीईआरटी. So we'll gonna start the global biodiversity in the next session. Till then, keep revising all the important three aspects of biodiversity. Because 3 marks a question ban sakta hai inpe. So all the best. Keep revising. Thank you.